वेलकम बैक बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एफ्टर एजुकेशन में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंटरनेट के बारे में, ठीक है, वेब ब्राउजर्स के बारे में और www के बारे में। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बच्चों ये आपके जो है आपके क्लास टेंथ की पेड क्लासेस चल रही हैं जूम पे, अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप मैसेज करिए या फिर आप कमेंट सेक्शन पे भी। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अ सर्वर इज अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट्स रिक्वायर्ड टू रन अ वेबसाइट। यानी कि सर्वर एक इस तरीके का कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, यानी कि एक इस तरीके का कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो और उसके साथ उसमें बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करके रखा गया हो, ठीक है। और ये डेटा हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के माध्यम से हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग वेब पेजेस टू अ यूजर ऑन द सेम कंप्यूटर और अनदर कंप्यूटर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये क्या करता है कि ये आपको वेब पेजेस सेंड करता है आपके कंप्यूटर पे या दूसरे कंप्यूटर्स पे, ठीक है। सिर्फ इसका काम इतना ही है कि ये आपके कंप्यूटर या फिर दूसरों के कंप्यूटर पे वेब पेजेस को सेंड करता है। बच्चों आपके वेब पेज क्या होते हैं आप जानते हो सभी, ठीक है। द सर्वर कंप्यूटर अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर फुलफिल्स द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट कंप्यूटर। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि जो सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है, सर्वर कंप्यूटर आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसकी जो सारी रिक्वेस्टेड है, सारी चीजें हैं, सारी क्वेरीज हैं, उसको वो फुलफिल करता है। अगर हम बच्चों इसका अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें तो आपका जैसे एक टीचर हो गया और एक स्टूडेंट हो गया, तो टीचर मान लीजिए कि आपका सर्वर हो गया और स्टूडेंट जो है आपका मान लीजिए कि क्लाइंट हो गया। अब सर्वर क्लाइंट जो है यानी कि स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट करता है, जो भी क्वेरीज करता है, वो उसका टीचर उसको सॉल्व करके दे देता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारा ये जो सर्वर वाला कंप्यूटर है इसके पास से ढेर सारा डेटा होता है। जब हम इससे बोलते हैं कि भाई हमें ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, देन वो उस डेटा पे को सर्च करके हमें एज अ वेब पेजेस के रूप में दे देता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इंटरनेट, बच्चों इंटरनेट की हिस्ट्री यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है, और सबसे पहले इंटरनेट कहाँ बनाया गया था। तो बच्चों इंटरनेट जो है, इंटरनेट का जो पहला नाम था वो आर्पानेट था। क्या था? आर्पानेट। बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि आपको फुल फॉर्म नोट करके रख लीजिए, ठीक है, आर्पानेट की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसकी जो होती है फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है बच्चों। आर्पानेट की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बच्चों ये सबसे पहले आपका आर्पानेट था, आर्पानेट में कई सारे उसके प्रोटोकॉल्स में चेंजमेंट करके और देन हम लोगों ने उसको इंटरनेट बनाया था। बच्चों आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट एक तरीके का नेटवर्क है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद वायर सैटेलाइट और सम अदर मीडियम। यहाँ पर भी बच्चों देखिए आपकी जो नेटवर्क की डिफिनेशन है वो दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जहां पर कई सारे कंप्यूटर जुड़े हों, ठीक है, एंड अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि प्रिंटर हो गया आपका, स्कैनर हो गया आपका, ठीक है, आपके टैबलेट्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, तो इस तरीके की चीजें जुड़ी हुई है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्ट हैं विद वायर,
यानी कि या तो वायर के माध्यम से, या फिर सैटेलाइट के माध्यम से, या फिर वायरलेस, या फिर और अदर मीडियम्स के, यानी कि और अदर तरीकों से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यही आपका एक पर्टिकुलर नेटवर्क होगा। When many such network across the globe are connected to each other for communication is called internet. अब बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट की। क्या कह रहा है? कह रहा है When many such networks across the globe are connected to each other, are connected to each other for communication is called an internet. यानी कि जब कई सारे नेटवर्क पूरी दुनिया में, कई सारे नेटवर्क आपस से कनेक्टेड होते हैं और कनेक्ट होकर के आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। अब सीधी सी बात समझना भैया, यहां पर पहले क्या बता रहे हैं? पहले बता रहे हैं नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या होता है। हमने नेटवर्क समझ लिया। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि मान लीजिए कि आपके 10 कंप्यूटर एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या है एक डायग्राम देख लेते हैं, इसको सीधी भाषा में समझ लेते हैं चल करके। एक मिनट बच्चों, वर्ड ओपन हो रहा है। इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के समझेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। बच्चों इंटरनेट को हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो सम टाइम वी कॉल्ड इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल का मतलब आप सभी जानते ही होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्क की और बात कर लेते हैं इंटरनेट की। ठीक है ना? तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। एक मिनट बच्चों, नेटवर्क की बात करते हैं हम लोग पहले। तो नेटवर्क में आप लोगों को क्या बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि आपके कुछ डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, वो आपस में एक साथ कनेक्ट हैं, वो आपका एक नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक एरिया ये है। ठीक है, एरिया 1, ठीक है, ये एरिया 2, ठीक है, ये एरिया 3। यहां पर हमने क्या किया, 4 कंप्यूटर या 2 कंप्यूटर, ठीक है, एक प्रिंटर, ठीक है, एक प्रिंटर और एक मोबाइल फोन को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये सिस्टम जो है आपके केबल के माध्यम से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि आपकी जो छतरी लगी है वहां से केबल के माध्यम से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका राउटर लगा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका राउटर है, और राउटर की वजह से जो है आपका वाईफाई कनेक्शन चल रहा है, तो वाईफाई से आपका ये और ये सब कनेक्ट है। ये मान लीजिए कि आपका केबल से कनेक्टेड है और ये आपका वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट है। तो यहां पर ये क्या हुआ, एक एक नेटवर्क बन गया। ये क्या बन गया, नेटवर्क A। ठीक है, ये नेटवर्क 1 कह लिया हमने इसको। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि यहां पर सिर्फ 4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पर 4 कंप्यूटर लगे हैं, और इन 4 कंप्यूटर को आपस में हमने केबल के माध्यम से इनको भी कनेक्ट कर रखा है। ठीक है ना, ये बन गया आपका नेटवर्क 2। ठीक है, अब तीसरे वाले के पास चलते भाई। यहां पर मान लीजिए कि आपके पास कई सारी डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं आपस में। कुछ ऐसी हैं जो कि आपके नेट उससे केबल से कनेक्टेड हैं, और कुछ ऐसी हैं जो आपके विदाउट केबल यानी कि वायरलेस कनेक्टेड है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से ये मान लीजिए कि आपका लैपटॉप है, ये आपके लैपटॉप्स हैं, ये आपके सिस्टम है बच्चों, ये केबल्स के थ्रू आपस से कनेक्टेड हैं। ये आपका मान लीजिए कि जो भी राउटर और ये सारी चीजें आ रही हैं, ये कनेक्ट हो गया। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये भी एक नेटवर्क बन गया, ये बन गया नेटवर्क 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये नेटवर्क 1 चल रहा है, ये नेटवर्क 2 है और ये नेटवर्क 3 है। अब हम चाहते हैं कि ये वाले जो सिस्टम के पास जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो ये लोग एक्सेस कर पाए और ये लोग एक्सेस कर पाए,
और इनके पास जो डेटा है वो ये लोग एक्सेस कर पाए, और इसके पास जो डेटा है वो ये एक्सेस कर पाए, इसके पास जो डेटा है वो ये एक्सेस कर पाए, ठीक है ना, इसके पास जो डेटा है वो ये एक्सेस कर पाए, ये एक्सेस कर पाए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तीनों नेटवर्क ये चाहते हैं कि वो आपस में जो डेटा है या अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर कर पाए। तो हमने क्या किया, नेटवर्क वन को नेटवर्क टू से कनेक्ट करा दिया, और यहां पर नेटवर्क वन को नेटवर्क टू से कनेक्ट करा दिया, और नेटवर्क वन को नेटवर्क थ्री से कनेक्ट करा दिया, और नेटवर्क थ्री को नेटवर्क टू से कनेक्ट करा दिया। अब ये देखो बच्चों, ये कोई भी डेटा जो है, ये वाला जो है ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये वाला इसके साथ शेयर कर लेगा, ये वाला कोई भी डेटा अपने इसके साथ शेयर कर लेगा और इसके साथ शेयर कर लेगा। अब ये वाला जो है इधर से ये डेटा इसके साथ शेयर कर लेगा और इसका डाटा एक्सेस कर लेगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने तीन नेटवर्क को एक साथ मिला दिए, ठीक है ना। जब हमने इसको मिला दिया तो इसको मिलाते ही ये क्या बन गया आपका भाई, इंटरनेट बन गया। क्या बन गया, इंटरनेट। यानी कि आपका इंटरनेट कुछ इसी तरीके से काम करता है, आसान में है ना। आपका जो भी नेटवर्क है भाई, इंटरनेट है, वो इसी तरीके से काम करता है। बच्चे ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, अगर बना लिया तो इसको इरेज कर दें। वैसे बच्चों प्रॉब्लम की बात नहीं, ये वाली जो क्लास है ये तो आपकी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, अब इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमारा नेटवर्क फिनिश होता है, सॉरी इंटरनेट फिनिश होता है। और यहाँ पर देखिए कुछ चीजें रह गई हैं। यहाँ पर लिखा इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि हम लोग इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं, यानी कि कई सारे नेटवर्क्स को मिला करके बनाया गया एक नेटवर्क। और ये जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करता है, यानी कि WWW पे काम करता है, ठीक है, जिसकी डिफिनीशन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब को जो है हम लोग यहां पर इनके फादर लिख लेते हैं, यानी कि WWW को किसने बनाया था और किस लिए बनाया था। बच्चों WWW जो आपका बनाया गया था वो बेसिकली आपका सिर्फ आपके जो नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, यानी कि हम सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर लें, और उसको कनेक्ट करने के बाद क्या है, देन हम लोग जो है पूरे मतलब होल कंट्री या कह सकते हैं या होल वर्ल्ड का जितना भी डेटा है वो एक इंटरनेट एक जगह पे बैठ करके एक्सेस कर पाए, समझ गए। इसी को हम लोग WWW भी बोलते हैं, इसी को हम लोग वेब भी बोलते हैं, और बच्चों सम टाइम हम इसी को W3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि हम लोग इसको WWW भी बोलते हैं, इसको वेब भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं W3, ठीक है। ये समथिंग 1919 के आसपास, 1995 के अराउंड बनाया गया था, तो इसको देख लेते हैं। और इनके जो बच्चे जनक हैं उनका नाम भी लिख लेना, ठीक है। हाँ ये देखिए 1989 में बनाया गया था, ये सबसे पहले जो था बच्चों 1989 में बनाया गया था, और 1989 में बनाने के बाद इसमें बच्चों एक साल जो है, एक साल लगभग काम चला था, और एक साल काम चलने के बाद जो है ये 1990 में सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया था, ठीक है। तो 1990 में ये सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाउंड ऑन द नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर, एग्जांपल इंटरनेट। यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है आपका एक तरीके का कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है जो आपको एक नेटवर्क पे फाइंड होता है, आपके नेटवर्क पे आपको मिल जाता है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है दीज डॉक्यूमेंट आर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट विच मीन दे कंटेन टेक्स्ट ग्राफिक ऑडियो वीडियो etc। यानी कि बच्चों जब आप लोग वेब पेज पे आप सर्फिंग करते हो तो जब वहां पे कोई भी चीज सर्च करते हो, मान लीजिए कि हमने सर्च किया इमेजेस, तो जब हमने इमेजेस सर्च किया तो जब हम लोग इमेजेस सर्च करेंगे तो हम लोग इमेजेस सर्च करने के साथ क्या देखेंगे कि पहले तो हमारी पेजेस आएंगी, ठीक है ना। अब पेज के साथ क्या होगा, कुछ इमेजेस आएंगी, और उसमें क्या होगा, उसमें टेक्स्ट कंटेन होगा, कुछ ऐसी होंगी जो आपकी
GIF फाइल होंगी, कुछ ऐसी होंगी उसी में जिनमें आपका जो है वीडियो कंटेन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब यहाँ पर ये कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देता है तो लिखा है दीज डॉक्यूमेंट आर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स विच मीन दे कंटेन दे विच मीन्स एक सेकेंड बच्चों दे कंटेन टेक्स्ट ग्राफिक आइडियो वीडियो एटीसी। यानी कि जब हम पर्टिकुलर किसी चीज पे काम करते हैं तो आपका आइडियो वीडियो सारी चीजें काम करता है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों आपका वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द वेब एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। यानी कि वेब ब्राउजर आपके कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि अगर अभी हम लोग किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं ओपेरा पे, यानी कि ये हमारा कौन सा सॉरी गूगल क्रोम ओपन है, ठीक है। तो आपका जो गूगल क्रोम होगा ये क्या होगा, ये एक आपका वेब ब्राउजर है। क्या है आपका वेब ब्राउजर, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यहीं से पता चल जाती है, जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं तभी पता चल जाती है कि वेब ब्राउजर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द वेब एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमें किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर डेटा या इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब बच्चों कि ये क्या करता है, ये आपके बीच और www के बीच में एक इंटरफेस तैयार करता है, एक कनेक्शन तैयार करता है जहां से आप लोग जा करके इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो, इन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों द ब्राउजर सेंड योर रिक्वेस्ट टू सर्वर विच इन टर्न सेंड बैक द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है कि जब एक ब्राउजर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्राउजर आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजता है और सर्वर क्या करता है, सर्वर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे काम करता है और उस रिक्वेस्ट पे काम करने के बाद आपको वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देता है। आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे गए, ठीक है, ये हमारा क्रोम का इंटरफेस है, क्रोम ओपन है, हमने यहाँ पर लिखा अपने चैनल का नाम, ठीक है ना, एफटी एजुकेशन लिखा। और एफटी एजुकेशन लिखने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर आपकी कुछ वीडियोस आ गई, आपके कुछ पर्टिकुलर चीजें आ गई और मेरा जो एफटी एजुकेशन का ये इंस्टाग्राम है वो आ गया, जो आपका होम पेज है यानी कि हमारा फेसबुक का वो आ गया, ठीक है ना। तो सारी चीजें यहाँ पर एफटी एजुकेशन से रिलेटेड आ गई, हमारा जो एफटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल है वो आ गया। तो अब ये बच्चों काम किस तरीके से करता है, हमने यहाँ पर लिखा एफटी एजुकेशन, इसने एक पर्टिकुलर कीवर्ड को लिया और उस पर्टिकुलर कीवर्ड को ले करके ये कहां पर गया, सर्वर के पास गया, सर्वर से बोला, सर्वर यानी कि अभी हम लोग ये जो क्रोम होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सर्च किया है, गूगल, यानी कि हम लोग गूगल पे काम कर रहे हैं ना, गूगल सर्च इंजन पे। तो जब गूगल सर्च इंजन पे हमने लिखा एफटी एजुकेशन तो गूगल सर्च इंजन ने क्या किया, गूगल सर्वर के पास गया और वहां पर उसे एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट दी एफटी एजुकेशन की। अब जब एफटी एजुकेशन की उस सर्वर को रिक्वेस्ट मिली तो उसने एफटी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी उसने फटाफट से निकाली और हमारे क्रोम को दे दी और क्रोम ने वो डेटा हमें शो करा दिया। बच्चों ये प्रोसेस कुछ इतनी स्पीड में होता है, इतनी जल्दी होता है कि हम लोग शायद उसको नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम लोगों का नेटवर्क सही से काम नहीं करते हैं, इंटरनेट सही से नहीं चल रहा होता है तो कई सारी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है उस डेटा को एक्सेस करने में, ठीक है ना। इसी जो होता है कि जब हमारा प्रॉपर तरीके से कनेक्शन ना हो इसीलिए हमारा नेट जो है वो स्लो चलता है, हम लोगों को लगता है नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों वेब ब्राउजर क्लियर हो गया, कोई डाउट, एनीवन हैव एनी सिंगल डाउट इन द टुडेज टॉपिक। बच्चों अगर किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से क्लियर कर लो। और हाँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, सरप्राइज ये है बच्चों कि हम लोगों ने अपना सेशन टू में जितनी चीजें पढ़ ली हैं, सेशन वन और सेशन टू, इस चैप्टर का जो सेशन वन है और सेशन टू में जितनी भी चीजें पढ़ ली हैं उन चीजों का हम लोग कल टेस्ट रखेंगे, ठीक है। टेस्ट आपका आधे घंटे से एक घंटे का हो सकता है, टाइम लो जो है हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश करते हैं और कल के टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, और डाउट क्या है किसी को, एक सेकंड बच्चों, ओके।
ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं और आपके आपके क्लास के साथ टेस्ट के साथ, ठीक है ना। हाँ सरप्राइज क्या है सर? सरप्राइज ये है कि आपका टेस्ट है, यही सरप्राइज है। ओके तो हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल, बाय बाय।